जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, आज की वीडियो करते हैं शुरू। आज की वीडियो है शोबिज़ इंडस्ट्री शिल्पा शेट्टी के मतलब। जैसा कि नाज़रीन आप सबको मालूम है कि शोहर जो शिल्पा शेट्टी के हैं राज कुंद्रा, उनके काफ़ी दिनों से उनके ऊपर मुश्किलात आई जा रही हैं। तो पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने उनको गिरफ़्तार किया हुआ है क्योंकि पोर्नोग्राफी मूवीज़ वो बनाते थे और उनकी जो कमाई थी वो घर में इस्तेमाल होती थी। तो इस सिलसिले में शिल्पा शेट्टी का जो है वो बहुत ही सख्त रद्दअमल सामने आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि शिल्पा शेट्टी के शोहर राज कुंद्रा जब से पोर्नोग्राफी केस में गिरफ्तार हुए हैं तब से शिल्पा शेट्टी की मुश्किलात कम होने की बजाय मज़ीद बढ़ती जा रही हैं। वो कहती हैं कि कभी पुलिस अदाकारा को तफ्तीश के लिए बुलाती है तो कभी घर पर पुलिस का छापा पड़ जाता है। इसके अलावा अदाकारा को माली मसाइल का भी सामना है। ताहम शिल्पा ने इन तमाम मसाइल से छुटकारा हासिल करने के लिए शोहर राज कुंद्रा से अलहदगी का सोच रही हैं। इसी तरह उनके भारतीय मीडिया के मुताबिक शिल्पा शेट्टी को जो इंतहाई करीबी दोस्त का कहना है कि अदाकारा बच्चों को लेकर अपने शोहर से दूर जाने की मनसूबाबंदी कर रही हैं क्योंकि राज कुंद्रा की वजह से पैदा होने वाले मसाइल जल्दी ख़त्म नहीं होने वाले बल्कि आए दिन इसमें इजाफा होता जा रहा है। जबकि शिल्पा खुद नहीं जानती थी कि उनके शोहर के पास नजायज़ तरह से पैसा आ रहा है। इसी तरह शिल्पा शेट्टी के दोस्त का कहना है कि अदाकारा राज कुंद्रा के गैर कानूनी पैसों से कुछ भी नहीं लेना चाहती और वो चाहती हैं कि उनके बच्चे भी अपने बाप की नजायज़ दौलत से दूर रहें। शिल्पा खुद को एक जानी मानी अदाकारा मानी जाती हैं, लिहाजा वो अपने और बच्चों के खराजात पूरे करने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में मजीद काम ढूंढ रही हैं। राज कुंद्रा को कई महीनों से गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उन्होंने भारत में रहते हुए पोर्नोग्राफी मूवीज़ बनाई और एक हॉटशॉट ऐप के ज़रिए उन्होंने वो इंग्लैंड में वो एप्लीकेशन उनकी चलती रही और कई बैंकों में ट्रांजैक्शन इनके अकाउंट में होती रही, पैसों के लेन देन चलते रहे, जिसकी वजह से शिल्पा शेट्टी ने अब ये मंसूबा किया है कि वो अब अपने खामन से बच्चों को दूर लेके चली जाएं। नाज़रीन, आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।